नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो ब्यूटी दे देख सी दे पिकर ब्रेक बगैर लाग रहा ब्रेक बिल्कुल इसी अंदाज चर्चा चल रही है। क्या चर्चा? अरे इलेक्शन की और गाएगी चर्चा 2024 और विधानसभा चुनाव होने तो वहां में भी चर्चा है। चर्चा क्या है? अखिलेश यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं, बसपा सुप्रीमो से तालमेल होगी या नहीं होगी? है बुआ भतीजे की जोड़ी फिर बन पावेगी या नहीं बन पावेगी? अब अखिलेश यादव या मामले को लेकर तो नगेंगे होंगे को घूम जाए अभी तो, अभी कंफ्यूजन है। चलो पत्रकार ने कछु बात पूछी तो अखिलेश यादव ने क्या जवाब दियो आ जाओ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टीवी चैनल से बात करते हुए बसपा प्रमुख मायावती से गठबंधन के सवाल को लेकर बड़ी बात कही है। बसपा से सपा के गठबंधन पर अखिलेश यादव ने कही है कि आने वाले चुनाव में को कोई कंफ्यूजन नहीं चाहमे, जो एक स्पष्ट रणनीति वो चाहमे है, वो स्पष्ट ही होनी चाहिए रणनीति का। अगर स्पष्ट रणनीति के साथ चुनाव में आएंगे तो जीत सके, यानी कि अगर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी और संगठन में शामिल होंगे तो बिल्कुल निश्चित सी बात है कि जीत तो होगी, फायदा तो होगी। उन्होंने आगे कही है कि मायावती भाजपा की रणनीति एक दूसरे से मिलती जुलती है। मायावती से आखिरी बार कब बात हुई? पत्रकार ने सवाल पूछू तो यह सवाल पर अखिलेश ने कही कि 2019 के चुनाव के बाद मायावती से गठबंधन टूटो, तभी उनकी आखिरी बार बातचीत हुई। अखिलेश ने आगे कही कि आजमगढ़ में मंच पर ही वाट समय में वो तभी उन्हें की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि वास समय चुनाव में समर्थन देने के लिए वो सभी मतदाताओं को धन्यवाद करने गए। या दौरान मंच पर बीएसपी के भी बहुत सारे नेता मौजूद है, मगर कोई भी मंच से नीचे नहीं उतरो हो। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभा प्रमुख ने कही है कि गठबंधन के सभी नेता तैयार हैं। हमारी मीटिंग के बाद 40 लोगों की मीटिंग बुलाई है, ऐसे दलन को भाजपा ने बुलाओ जिनको अस्तित्व तक नहीं है। सपा से गठबंधन वाले दलन के सवाल पर अखिलेश ने कही है कि हमारे साथ जितने भी दल हैं वो अपने अपने राज्य में बहुत ही मजबूत और ताकतवर हैं। कौन से दल को कितनी सीट दी जाएंगी, यह सवाल पर अखिलेश यादव ने कही है कि मायने नहीं रखे, उनका मकसद केवल भाजपा को हराना है। हम सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चुनाव की तारीख आने पर ही करेंगे, यानी कि जब चुनाव की तारीख होगी वह दौरान में ही शेयरिंग की बात होगी। अभी तो राय तो बिल्कुल नहीं फैलाया जाओ, सीधो सीधो स्पष्ट कह दो। एक टीवी चैनल पर बातचीत के दौरान अखिलेश यादव पर योगी सरकार को घेरो है। हालांकि घेरा घेरी को कार्यक्रम तो चली हो तो बहुत दिन थे, सानंद पर भी चल लो, सानंद पर रोज एक ट्वीट आवे। सानंद पे बहुत सारी दुर्घटना तो है ही रही है। अब दुर्घटना में कौन मारो जा रहा हो, मोटरसाइकिल पे जा रहा हो, साइकिल पे जा रहा हो? अब गरीब आदमी मोटरसाइकिल और साइकिल पे जा रहा हो, जा रहे हैं इंगे सांड आया और टक्कर लगी और बेचारो रोज आप सुन ही रहे होंगे और सुनगा रहे होंगे। जहां भी आप अपने शहर या गांव में होगे वहां की ड्रामा चल ही रहोगे। चलो ना चलो है, आपके शहर में कस्बे में जिले में देखो ही होगो, सड़क पर जा रहे हो मोटरसाइकिल पर एकदम इंगे पे लिख रहे मोटे मोटे सांड, छट्टो खाने को मिल लो खेतन में, किसानों परेशान है रोज, किसान हाय 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 हा करके आखिर उन्होंने तो कहना ही छोड़ दिया कि चलो जो कुछ होगी देखी जाएगी। तारबंदी करें तो दिक्कत, जो कि तारबंदी करी और तार वाल लग गए तो घट मुकदमा, तो किसानों बहुत परेशान है। हमारी भी बातचीत होती रहे, बहुत सारे किसान अंत कह रहे साहब बिल्कुल मट्टी खराब है, पूरी रात गैया रखानी पड़े। मैं रखाते रहूं कोई बात ना, अब कम से कम जब सरकार इतना काम कर रही है, अच्छे दिन आपके बुलाई दिए तो गैया रखाते रहो, कहा पुण्य मिले। वो बात को समझ रहे होंगे लेकिन अंदर से बहुत ही आत्मा दुखी है। अखिलेश यादव भी लगातार सवाल उठा ही रहे हैं सांडन पे कि रोज एक न एक आदमी की दुर्घटना में मृत्यु है या इनके द्वारा, लेकिन रिजल्ट का 0 बटे सन्नाटा, कौन सुनने को तैयार है? कोई ना, अगर ज्यादा तीतर बनोगे तो घट तुम्हारे नाम से पर्चा कट जाओगे, अब पर्चा कट गए कोर्ट थाने दरबार जाते रहो तो आदमी क्या सोचे है कि भाई चुपचाप ही पड़े रहो, कोई फायदा ना इन चीजन में उलझने में, जो उलझेगा कौन? क्योंकि मान लो आप सबकी नॉलेज में होगोगे, ऐसी बात ना कि मैं बता रहा हूं, आपको भी जानकारी होगी यह बात की कितने परेशान है लोग, सड़कन पे गाड़ी पे जा रहे इंगे बेचार गाड़ी ठुक गई दुर्घटना है कि रोज कछु ना कछु कहीं ना कहीं ये आपको खबर जरूर मिलती होगी सुनने को। अखिलेश यादव लगातार इन चीजन पर रोज
ट्वीट करते रहे ट्वीट करते रहे। किसान बहुत जगह इतने परेशान है कि उन्होंने गैया मैया सगरी ले गए और कई स्कूल में भर दई दुनिया भर के कर दिए, लेकिन रिजल्ट जीरो बटे सन्नाटा, कोई रिजल्ट ना है। अब तो बस यही है कि इलेक्शन पिलेक्शन में ही कछु होगी तब्दीली, जब भी कछु है सके तो आप आरा पसंद को दो कि मामला चल लो, और कि तो अभी ऐसे ही चलते नहीं है। अब मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है कि इलेक्शन आते आते बसपा सुप्रीमो की कछु जो स्थिति है वहां में कोई तब्दीली होगी, हालांकि वो पहले ही कह चुकी है कि वो अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन राजनीति में सब कछु संभव है, कछु भी है सके एंड टाइम तक। तो देखो हम भी हेंगे और आप भी हेंगे, जैसे ही यह बात की तन भी शुरुआत चलेगा और खबर मिलेगी सबसे पहले आपके सामने हाजिर होगी। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर मेरे बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।